आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नई बनाई जा रही बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम पर बिल्डिंग मालिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्शा पास होने के बावजूद पैसे की मांग की जा रही है। बिल्डिंग के मालिक अमित कुमार ने बताया कि जिस जगह वह अपनी बिल्डिंग बना रहा है उसका नक्शा पास है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की ओर से इसमें खामियां निकाली जा रही हैं, जिसके चलते उसने कोर्ट से स्टे ले रखी है। अमित कुमार के मुताबिक नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वह इसे स्टे को नहीं मानते। अमित कुमार ने बताया कि अगर किसी प्रकार की उसकी बिल्डिंग में खामी पाई जाती है तो वह इसे तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ नगर निगम कमिश्नर आदित्य ओपन ने बताया कि वह सारे मामले की जांच करेंगे, अगर किसी भी अधिकारी ने रिश्वत मांगने की बात की है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि वह शहर में किसी प्रकार की नाजायज बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। पटियाला से हमारे संवाददाता केशव कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम अमित अष्टा है जी, मैं पटियाला के रतनगर के रहने का वासी है जी। की मामला है का जी ते तुसी के वीडियो को बनावे से कॉर्पोरेशन वालों ने जगह काई जाती की मामला सर यह है भी इन्हां ने मेनू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मेनू नोटिस आया सीगा थोड़े दिन पहला। मैं यह जगह सनी कुमार सानू फरमेश कुमार त्रिपड़ी दे विच वासी है उन्हां तो ली सी कि उन्होंने इहदा नक्शा पास कराया होया सीगा, उन्हां तो मैंने खरीद ली, उन्होंने यदा नक्शा पास कराया होया सीगा। सो मैं यदि सारी करनी शुरू कर दी, मेरे फादर साहब के राम रक्षपाल जी के नाते जगह आ। इन्होंने जो मैंने नोटिस भेजा, मैंने नोटिस का जवाब भी दिया, जैसे ही अपना नवन मड़कन जी को मैं मिलकर आया सीगा उन्होंने मैं जवाब भी दिया सीगा इस गल का। तो उस तो बाद भी मैंने तंग परेशान करने हटे नहीं है। फिर मैं मानियो कोर्ट जी के कोल गया, जज साहब ने मैंने स्टे दी भी तैनू हूँ कोई तंग नहीं करूगा। जिहदे पासों मैं इन्हों जिदा स्टे ले उस दिन इन्हों नगर निगम कमिश्नर मैं आह डाक भेजते सी बायपोस्ट मेरे को रिसिप्ट भी है। तो उस तो बाद मैं अपनी जी बिल्डिंग है इन्हों बना का ठेकेदार मेरा जगदेव सिंह उन्हें इन्हों जे सी साहब न ज अपना ए टी पी इंस्पैक्टर अंकुश है इन्होंने सारे उन्होंने भेजती अपने वालों भी आ स्टे की कॉपी आया है। अज सवेरे मैं कुदरती मेरे ठेकेदार का फोन आया भी तुम जल्दी बिल्डिंग से जाओ, कमेटी वाले आ रहे हैं। मैं उन्होंने कहा भी जो आप स्टे ली हुई है हूँ आपको क्यों तंग कर रहे हैं। जो मैं यह गल इंस्पैक्टर अंकुश में तो ए टी पी कही भी मैं कोर्ट मान जो कोर्ट जी ने मैंने स्टे दी हुई आ इस जगह की, तो उन्होंने तो इग्नोर करता, कहते असं स्टे नहीं मानते हैं इस जगह की स्टे नहीं हैगी। फिर मैं उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए, फिर जो मैं वीडियो बनानी शुरू की तो फिर उन्होंने मेरी गल करनी शुरू की। मैं उन्होंने कहा मैं वीडियो सोशल मीडिया से वायरल करूँगा भी तुम मानजोग कोर्ट जी के जो आर्डर ने उन्होंने टिच जान दो। तो फिर उस तो बाद उन्होंने मैं जो सारे दस्तावेज दिखाए रजिस्ट्री दिखाई मैंने इंस्पैक्टर अंकुश बार बार एको गलों तंग परेशान कर रहा है भी यह स्टे इतने की नहीं है किसी होर जगह की आ। फिर मैं उन्होंने एक पत्र लिख के दिता, एविडेंट लिख के दिता मौके के उत्ते जी वीडियो भी बनाई गई है भी यह जी मैं स्टे ली है मैं इस जगह की ली है मैं किसी होर जगह से नहीं ली। और इस मौके के उत्ते पैसे की मांग भी कर रहा है भी सानू तो कुछ दिता नहीं है सानू तू ए नहीं किया है असं अंकुश इंस्पैक्टर अंकुश हजे ए टी पी अफसर हजे बोल नहीं रहे हैं इंस्पैक्टर अंकुश बहुत ज्यादा बोल रहा है भी सानू पूछा नहीं सानू ये नहीं किया। ये कुछ पत्रकार ने जिन्हें नाल ये मिलिया होया ये उन्होंने भेजता है मैंने तंग परेशान करते हैं। एक बंदा आ गोलू राजपूत नाम का बंदा उन्हें मैंने वट्सएप से कॉल करके कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह जी का मैंने नाम लिया कहना मैं उन्होंने दफ्तर चो गल कर रहा भी तू बिल्डिंग बना ला सानू 50,000 रुपये दे दे। उन्हें मैंने मेरे वट्सएप मैं उसनू जानता नहीं उन्हें मैंने वट्सएप से कॉल की उन्होंने वो कहना मैं उन्होंने दफ्तर चो गल करता गोलू राजपूत कहता भी मैं मैंने उन्हें फोटो भी भेजी आ भी मेरी बिल्डिंग दी तो उस तो बाद मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी मैं मैं तेन पैसे नहीं दिता तू जो करना कर ला। वो बंदा कहना तेरी बिल्डिंग ढहा देंगे मैंने शायद लगता भी इसे करके ये मेरी बिल्डिंग ढहा है हूँ शायद वो पता नहीं कौन आ कौन नहीं मैंने पता नहीं मेरे को प्रूफ के तौर पर मेरे वट्सएप के उत्ते रखी हुई है सारी फोटो खिंच के जी जगह की। रोल यह है जी जो मैं बिल्डिंग बनाने शुरू की फोटो खिंचन आते मैं इन्होंने यह गल कही कहता मेरे को फोन आता जो मेरे को फोन आया मैंने एक अपना कुछ कोई पत्रकार उन्हें मैंने फोटो भेजी फेसबुक से पाई हुई आ मैं उन्होंने उतो परसनल इंटरस्ट शो हों भी मैं तंग त कर रहा उन्होंने मेरी सिर्फ मेरी ही बिल्डिंग की फोटो क्यों पाई है और मैंने इस करके तंग कर रहे हैं हरास कर रहे हैं भी मेरे तो कुछ ना कुछ उन्होंने मिले कुछ ना कुछ लैना चाहते हैं। गोलू राजपूत ने मैंने फोन के उत्ते वट्सएप कॉलिंग की है मैंने फोटो भी भेजिया ने मतलब बनना मैंने फोटो भेजना मेरी बिल्डिंग का मैंने तंग कर रहा कहना मैं दफ्तर चो गल कर रहा उन्होंने मंत्री साहब के मैंने एवं कह के मेरे से प्रभाव पाना चाह रहा पर मैं उन्होंने कोई ना पैसे तो ही मैं मानजो कोर्ट जी को जाकर स्टे ली आ भी मैंने इन्ना ज्यादा हरास कर रहे हैं बिना किसी गल तो मैं तो कोई गलत काम भी नहीं कर रहा है जैसे अपनी मेहनत करके असं अपना काम कर रहे हैं कोई ना कोई किता करांगे। फिर पंजाब सरकार भगवंत सिंह मान जी कहते हैं भी बच्चे नशे वाल जा रहे हैं नशे वाल जा रहे हैं सानू काम ही नहीं कर दे रहे हैं सानू बहुत ज़्यादा हराश कर रहे हैं
माड़ी माड़ी गल के तंग परेशान कर रहे हैं। साढ़े अपने पैसे ने, मेहनत के साथ पैसे ने, थोड़े थोड़े करके जोड़ के असं अपनी एक बिल्डिंग बना रहे हैं जी। एटीपी वालों कोई मंग नहीं की गई, वह सिर्फ मैं ये गल कह रहे थे सानू दस्तावेज दिखा दो, पर जो इंस्पैक्टर अंकुश है वह मौके पर बोल रहा है भी ये नहीं है, ये इदा नहीं है, उदा नहीं है, वो आर्डर जा सकते आई मेरे फादर आज स्टे का साडा वो आ मेरे फादर साहब का ना आ तो आज स्टे ले हुई है अमित जैन साढ़े वकील ने जी। हाँ जी, मैं उन्होंने जो सारा कुछ देता फिर वो चले गए, तो फिर वो अगर अपनी होर इतने कुछ बिल्डिंगा ने उन्होंने उत्ते गए थे जी। गोलू राजपूत ने जी, उन्हें मेरे तो 50,000 रुपये की मांग की जी। हाँ जी, मैं हराश इसलिए कर रहे हैं जी, वह मैं मौके आने उत्ते स्पष्टीकरण दे दूंगा जी। रेजिडेंशियल नक्शा सनी कुमार सिंधी ने मैनू पास करा के दिता हो, मैं उन्होंने ले सी जगह, उन्होंने मैनू पास करा के दिता हो नक्शा, उन्होंने तो मैं रजिस्ट्री कराई हुई थी। ये कहें नक्शा यदा पास ही नहीं है, मैंने कहते थोड़ा नाम नहीं है नक्शे के, मैं जी साडा नाम कितों होएगा, पहला जिन्हों तो अभी खरीद की वो मैं रजिस्ट्री इन्होंने मौके पर दिखाती है ए टी पी जसपाल को, मैं क्या देखो सनी कुमार तो मैं रजिस्ट्री खरीद की हुई है, जेडे नोटिस कट्टे हुए थे सनी सिंधी का नाम सेगा, ये कहें नोटिस सनी सिंधी का नाम आ, थोड़ा नाम क्यों नहीं है, मैं क्या जी उन्होंने नक्शा पास कराया उन्होंने नाम आऊगा, वो नक्शा असं जो खरीद ली और नैचुरली गल जगह तो पास है ना, अभी सारी कराई हुई है ना पास। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। कारण है जी, नगर निगम वाले तो इन्ने बंदे तंग परेशान ने जी, इन्ना मैंटली तौर पर हरास किया होना ने, थोड़े दिन पहले देख सकते हो भी एक बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, हुण मानसिक तौर पर सानू आम बंदे इन्ना परेशान कर रहे हैं, असं की करिए दसो किहदे कोल जाइए, साडी कोई अपनी सिफारिश नहीं हैगी, असं आम जिवें आम जे घर का एक बंदा मुंडा आ, ना मेरे फादर साहब की कोई एड्डी अप्रोच है, हुण इह मैनू आके इन्ना तंग परेशान कर रहे हैं भी तू इदा कर तू इदा कर, मैं दसो जी की करा, मैं तो हुण काम ये काम करन तों इलावा साडे कोल होर कोई काम ही नहीं हैगा, हुण असीं नशे पत्ते तां बेच नहीं सकते, फिर इह कहणगे नशे पत्ते बेच देने। मैं मंग करदा जी इंस्पैक्टर अंकुश नूं जिहड़ा आ उत्थे कार्रवाई की जाए, उन्हें डिसमिस किया जाए, फोरन इस सीट तो हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने सारे एरिए का भेजता त्रिपड़ी रतनगर इधर उन्हें सारे कितने आतंक मचाया पाया पैसे मंगता है, तो जिहड़े बंदे मैनूं आ फोन कर रहे हैं वट्सएप कॉल से कर रहे हैं इन्हां ते कार्रवाई की जाए। मैं उन्होंने पीए मनप्रीत जी फोन किया भी इदा करके मेरे तो एक बंदा पैसे मंगता है, वो कहें भी जेडे इन दफ्तर के अपने उन्होंने पीए ने बलबीर जी के कहते उन्होंने गल करो, उन्होंने मेरे को नंबर नहीं, मैं उन्होंने गल किता करा, हूँ मैंने इन्होंने इन्ना उलझा रखा कि मैं जाने का भी टाइम नहीं मिलया, धमकियां दे जाते हैं असं ढा देंगे असं तोड़ देंगे असं इदा कर देंगे, हूँ मैं कला बंदा जी की करा। हाँ जी, मेरी बच गई है जी। नहीं जी, मैं मानजो कोर्ट के चाराजोई करा जी, जेडे इन्होंने स्टे नूं टिच जानते हैं फिर भी पीला पंजा लेके आए हैं मैंने तंग करने के लिए, पर जे मैं मौके पर ना आता इन्होंने मेरी बिल्डिंग ढा देनी सी। देखो जिथे तक गल हैगी स्टे की, उस तो बाद मैनू दसिया गया कि टीम ने उत्थे कोई भी कार्रवाई नहीं की, वापस आ गई है स्टे ऑर्डर देखने तो बाद। जिथे तक गल है कि साडा कोई मुलाजम या कोई उस तो पैसे मांग रहा है, तो वह बंदे नूं बेनती है कि सानू एक कंप्लेंट दे दे ऑफिशियल, तो जो भी ये चीज होएगी उन्हें किसी ने भी बख्शा नहीं जाएगा। देखो बंदे नूं एक बार आ जाए दफ्तर मिलने, तो जो भी उसका कोई ग्रीवेंस हैगी है असीं उन्हें एड्रेस बिल्कुल की जाएगी, जो किसी अधिकारी कोई किसी तंग परेशान कर रहा है या किसी तो कोई अनड्यू फेवर मांग रहा है उसका अधिकारी या किसी पर भी सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो कारपोरेशन जिथे एक वायलेशन हैगी है वो कारपोरेशन का राइट हैगा एज पर द एक्ट इस पर कार्रवाई करना, तो वह कार्रवाई कारपोरेशन जरूर करेगी जो कोई केस योजा बनता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।